तो कैसे है हमारी आर्ट बॉक्स फैमिली, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बहुत हो गई शॉर्ट फिल्म्स, काफी दिनों से टेक एडुकेशन रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो सोचा इस बार वही बना देते हैं। कुछ महीनों पहले मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया था टिंकरकैड पे, जिसको कि यूज़ करके आप लोग अमेजिंग डिज़ाइंस, 3D डिज़ाइंस बना सकते हो। आई एम श्योर आप लोगों में से कुछ ने तो इसको ट्राई किया होगा और थोड़ी बहुत अपनी डिज़ाइनिंग की जर्नी शुरुआत की होगी। उसके बाद मिनी प्रोजेक्ट के तौर पर मैंने आप लोगों को ताजमहल का मॉडल बना के दिखाया था टिंकरकैड पे। तो उस पर हमारे एक प्रिय सब्सक्राइबर संजीव कुमार जी ने एक कमेंट कर दिया कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक एन आईफिल टावर। अच्छा, इतना करके रुके नहीं, दोबारा उन्होंने सेम कमेंट कर दिया। अब जब इतना कह रहे तो मैंने भी बोल ही दिया कि ठीक है, बहुत ही जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो अब जब प्रॉमिस किया है तो निभाना तो पड़ेगा। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो में सीखते हैं हाउ टू मेक एन आईफिल टावर यूजिंग टिंकरकैड। तो सबसे पहले आपको तो पता ही है कि ब्राउज़र स्क्रीन पे आ जाना है अपने। यहाँ पे मैंने आईफिल टावर का कुछ इमेजेस भी ओपन करके रखे हैं रेफरेंस के लिए। उसके बाद चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे, जो है टिंकरकैड। इसे ओपन कर लेंगे, लॉगिन कर दीजिए। ये ओपन हो गया हमारा टिंकरकैड का पेज। अब जैसे कि आपको पता ही है, क्रिएट डिज़ाइन करने के लिए हमें क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे जाना होगा और ये अभी ओपन हो गया अपना एडिटर। यहाँ पे अब हम शुरुआत कर सकते हैं आईफिल टावर बनाने का। अब ये पूरा मॉडल कंप्लीट होने में थोड़ा सा समय तो लगेगा, तो आप एक काम कीजिए, अपना पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठ जाइए और आराम से इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ पूरा आईफिल टावर का मॉडल कंप्लीट हो जाने के बाद।
तो गाइस फाइनली ये बनके रेडी हो गया है हमारा आईफिल टावर का मॉडल। आपको मैं एक क्विक समरी दे देता हूँ और बताता हूँ कि क्या क्या शेप्स मैंने यूज़ करके इसे बनाया है। तो सबसे पहले तो हमने इसके नीचे एक रेक्टेंगल लिया था जिसको हमने फिर स्प्लिट कर दिया ताकि ये फोर पिलर्स जो खड़े वो आप देख सको। उसके ऊपर मैंने ये शेप लिया था येलो कलर का पिरामिड जिसको मैंने ऊपर से चॉप ऑफ कर लिया। और फिर यहाँ पे राउंड रूफ का इस्तेमाल करके मैंने ये चारों कट्स दिए हैं।
जो ऑफ कोर्स आपने बनाते वक्त देख ही लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस पार्ट पे, तो ये बेसिकली ये पिरामिड का नीचे वाला हिस्सा है जिसको मैंने कट कर दिया है यूजिंग दिस बॉक्स, होल वाला बॉक्स, उसी को मैंने डुप्लीकेट करके उसके ऊपर रिवर्स में फिट कर दिया है ताकि ये कुछ ऐसा डायमंड टाइप का शेप बन सके। उसके बाद ये नीचे वाला सेम जो येलो पीस है उसको मैंने डुप्लीकेट करके ऊपर यूज़ किया है, उसकी ऑफ कोर्स साइज़ थोड़ी छोटी कर ली है मैंने ताकि ये प्रॉपरली इसमें फिट हो सके। सेम इस डायमंड शेप का मैंने फिर से एक डुप्लीकेट करके यहाँ पे ऊपर सेट कर लिया है, अगेन उसकी साइज़ थोड़ी सी कम कर दी है, और फाइनली मैंने टॉप में यही सेम पिरामिड जो है येलो कलर का उसी को मैंने यूज़ किया है। बस फ़र्क इतना है कि उसका जो टॉप है मैंने उसको बहुत खींच के थोड़ा लंबा कर दिया है ताकि ये प्रॉपर शेप ले सके आईफिल टावर का। और इसके ऊपर ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसके लिए मैंने ये इस शेप का यूज़ किया है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, बट ये वाला शेप यूज़ किया है। और उसके ऊपर मैंने एक सिलेंडर का बहुत ही पतला शेप बनाया है सिलेंडर का, और उसके ऊपर मैंने एक स्पीयर डाल दिया है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, ओके। सो आई होप आपको एक पूरा आइडिया मिल गया होगा आईफिल टावर कैसे बनाते हैं। अगेन ये सिर्फ मैंने अपने अंदाज से बनाया है, शायद कुछ लोगों को ये आईफिल टावर ना भी लगे, लेकिन आई एम श्योर आप में से कुछ लोग इससे बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बना सकते हो। इनफैक्ट एग्जैक्टली आईफिल टावर जैसे दिखता है उसी टाइप का आप आईफिल टावर बना सकते हो, तो प्लीज़ गो अहेड एंड शेयर योर डिज़ाइंस। आप लोग भी ट्राई कीजिए ऐसे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाने का और शेयर कीजिए। आई होप संजीव कुमार जी को फाइनली कुछ मदद हो गई होगी इस वीडियो से, और उनके जैसे ही काफ़ी सारे लोग हैं जो 3D डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हो। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इस तरह के कुछ डिज़ाइंस बनाओ, और हमारे चैनल पे आप कमेंट सेक्शन में उसका लिंक छोड़ सकते हो ताकि सब लोग देखें कि कैसे अमेजिंग डिज़ाइंस आप बना रहे हो हमारे वीडियोज़ को देख के। ये तो रहा आईफिल टावर का मॉडल। अगर इसी तरह के और भी आपको कोई मॉडल्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके टाइप कीजिए और मुझे बताइए, और हम आपके लिए वो वीडियो जल्दी लेके आ जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके काम का हो, आई होप आपको कुछ नया इसमें से सीखने मिला होगा। इसी तरह से सिंपल शेप्स को यूज़ करके आप अमेजिंग डिज़ाइंस बना सकते हो, और यही एक्चुअली खासियत है टिंकर कैड की। आपको शायद ये शेप्स बहुत कम लग रहे होंगे, लेकिन अगर इन शेप्स का प्रॉपरली इस्तेमाल करो तो काफ़ी सारे अमेजिंग डिज़ाइंस आप बना सकते हो। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल पे बहुत सारे अमेजिंग टेक एडुकेशन रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और वो नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। ओके देन, सी यू अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।